हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम पांचाल स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल खाओ खिलाओ में। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे पालक पनीर की सब्जी। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम कटी हुई पालक को अच्छी तरह से धो लेंगे और पालक को कुकर में डाल लेंगे और साथ ही में एक गिलास पानी डालकर उबाल लेंगे। ये मैंने 500 ग्राम पालक ली है। जब तक पालक उबल रही है, हम टमाटर प्याज को मिक्सी में पीसने की तैयारी कर लेते हैं। कटे हुए प्याज में थोड़े से लहसुन और छीली हुई अदरक काटकर डाल लेंगे। और कटे हुए टमाटर में भी हम हरी मिर्च काटकर डाल लेंगे। ये मैंने 3 टमाटर और 2 प्याज लिए हैं। अब हम टमाटर प्याज को मिक्सी में पीस लेंगे। हमने टमाटर प्याज को मिक्सी में पीस लिया है और कुकर में भी सीटी लग गई है, पालक उबल गई है। उबली हुई पालक को हमने मिक्सी के जार में डाल लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच गेहूं का आटा डाल लेंगे और इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। हमें पालक को ज़्यादा बारीक नहीं करना, बस 2-3 सेकंड तक ही मिक्सी चलानी है। हमें बिल्कुल इस तरीके का पेस्ट तैयार कर लेना है। अब हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल के डालकर गरम कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जीरा डाल लेंगे और मिला लेंगे। जीरे को हमें लाल करना है। जीरा लाल हो गया है, अब हम इसमें पीसे हुए प्याज डाल लेंगे थोड़े थोड़े करके, और प्याज को भी लाल कर लेंगे। प्याज लाल हो गए हैं, अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट भी डाल लेंगे और मिला लेंगे। हम इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर डालकर मिला लेंगे। ये अच्छे से मिल चुका है, अब हम इसमें कटे हुए पनीर डालकर मिला लेंगे। पनीर को हमें 2 मिनट तक फ्राई करना है। दो मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें पीसी हुई पालक डाल लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। पालक को भी हमें 3 से 4 मिनट तक पकाना है। पालक पक चुकी है, अब हम इसमें गरम मसाला डाल लेंगे। आप कोई भी मसाला डाल सकते हो इसमें। अगर आपको पालक पनीर की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई डिशेज की रेसिपी आपको सबसे पहले मिल जाए। पालक पनीर की सब्जी तैयार हो गई है, अब हम इसे किसी बर्तन में सर्व कर लेंगे। लीजिए, तैयार है पालक पनीर की सब्जी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कितने कम समय में बना लिया है। आप भी इसको इसी तरीके से बना सकते हो। यकीन मानिए, बहुत ही टेस्टी बनेगी।